आज कोटा की धरती का बड़ा सौभाग्य है कि आज इस धरती पर जिन्होंने मानव सेवा ही अपना धर्म बना रखा है, मानव सेवा के कल्याण के लिए और मानव सेवा के कल्याण के लिए सभी समाजों को सनातन धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज के हर दुख को अपना दुख, समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर किस तरीके से हम मानव कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए आज प्रेम प्रकाश आश्रम के मंडलाचार्य परम पूज्य सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी को मैं प्रणाम करता हूं, सत्सद नमन करता हूं। परम पूज्य भगत प्रकाश जी ने सिंधु सभ्यता और संस्कृति को जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है और जो हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता में सिंधी सभ्यता को आगे बढ़ाकर संपूर्ण देश के अंदर व्यक्ति के निर्माण के साथ उसको अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, हमारी प्राचीनतम संस्कृति के माध्यम से समाज का कल्याण और लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, उनको खुशी लाना, उल्लास लाना, इसके लिए वह देश में तो काम कर रहे हैं, देश के बाहर भी मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम परम पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी के अनुसरण पर चलकर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर हम इस सेवा का पुनीत कार्य कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर जहां भी आश्रम है वहां सनातन संस्कृति, धर्म, हमारा आध्यात्मिक, उसके ज्ञान के प्रकाश को, उसके प्रकाश से लोगों के जीवन की राह बताने का काम परम पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। और उसी तरीके से आज तो हमारा सौभाग्य है कि कोटा के स्वामी मनोहर लाल जी, ग्वालियर के संत हरिओमलाल जी, जयपुर के संत मोनूराम जी, ब्यावर के संत शंभूलाल जी का मैं यहां पर इस धरती पर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये धरती पुण्य हो गई कि आप जैसे संत महात्मा यहां पर आए हैं। और जब संतों के पैर जिस धरती पर पड़ते हैं उस धरती की ऊर्जा से एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक ऊर्जा को उत्पन्न करने का काम करती है ताकि वह समाज कल्याण के काम करे। उन्होंने दो शब्दों के अंदर जीवन के व्यक्ति का सार बता दिया कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन से सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता और उस मनुष्य जीवन को हम झूलेलाल भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो सिंधी सभ्यता और संस्कृति है मानवीय सेवा की उसमें अपने आप को समर्पण कर दें। और मैं आज खुशी है मुझे कि भारत में जहां भी सिंधी समाज का व्यक्ति रहता है वह सिंधी समाज का व्यक्ति इसी सभ्यता और संस्कृति को लेकर
मानव सेवा के पुण्य को काम कर रहा है। 1947 में देश आजादी के त्रासदी के समय हजारों लोगों को उस समय के हत्याचार के कारण अपनी भूमि को छोड़ना पड़ा, अपनी संपदा संपत्ति को छोड़ना पड़ा, लेकिन भूमि को छोड़ दी, संपदा सम्मति को छोड़ दी, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को नहीं छोड़ा। और उसके कारण ही भारत के अंदर एक धर्म आध्यात्मिक संस्कृति के माध्यम से हर मानव की सेवा करना, भूखे को भोजन के लिए भंडारा शुरू किया तो सिंधी समाज ने सबसे पहले किया, प्यास सबसे पहले शुरू की तो सिंधी समाज ने की, राहगीरों को दूर दराज से आने के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं थी देश के अंदर, आज भी धर्मशाला बनाई तो सिंधी समाज ने सबसे ज्यादा धर्मशाला बनाई। और स्वामी जी ने तो देश में अलग अलग हिस्सों के अंदर, जयपुर में चले जाए कितना पुराना प्रेम प्रकाश आश्रम है जहां हजारों लोग आज भी ठहरते हैं, जहां 24 घंटे लोगों को भोजन मिलता है, प्रसादी मिलती है। अलग अलग देश के अंदर भी मैं तो दंग रह गया जब मैं देश के कई प्रांत में गया। एक प्रांत, एक देश तो ऐसा था जो मुझे लगता था कि सिंधी समाज का व्यक्ति नहीं होगा। उस सूरीनाम के अंदर जब मैंने देखा कृपलानी भवन, तो मेरी मिलने की जरूर इच्छा हुई उनसे, क्योंकि सूरीनाम करेबियन कंट्री बहुत देश है, भारत से बहुत दूर है। तो वहां मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि हम जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद हम सिंगापुर आए, सिंगापुर से आते आते आज सूरीनाम आ गए। और उस सूरीनाम के अंदर भी अगर आध्यात्मिक धर्म संस्कृति और संस्कार के माध्यम से सबने का मानवीय सेवा का काम करने है तो कृपलानी परिवार कर रहा है। मेक्सिको के अंदर गया तो दूतावास के अंदर मुझे लोग मिले, सिंधी समाज का एक परिवार नहीं कई परिवार थे जो सिंगापुर से छोड़कर मेक्सिको के अंदर आके बसे, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखा। मुझे वहां के एम्बेसी के एम्बेसडर ने बताया कि यहां सेवा का और कोरोना के समय पीड़ित मानव सेवा का काम किया तो सिंधी समाज के लोगों ने प्रमुखता से। दुबई में तो खैर बहुत बड़ी संख्या है, किस कठिन परिश्रम के अंदर गए थे उस समय, जब लोग कहते थे कि पीने का पानी नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से पीने के पानी कुएं निकलते जिसमें कीड़े निकलते थे, उस समय गए। वहां के शेख ने भी सबसे बड़ी उपाधि दो सिंधी समाज के व्यक्ति को दी। कोई देश चले जाए, जिस देश में सिंधी समाज का व्यक्ति मिलेगा, अपनी कड़ी मेहनत परिश्रम के आधार पर उसने धन का अर्जित तो किया है, लेकिन वह धन समाज के लिए समर्पित किया, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। मैं कोटा में भी देखता हूं, चाहे अन्न भंडार हो, चाहे प्या हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा का मंदिर हो, एक पुरुषार्थ समाज, एक कठिन परिश्रम करने वाला समाज जो सब कुछ छोड़कर यहां पर आया था, लेकिन अपना कठिन परिश्रम, एक पुरुषार्थ था, एक काम करने की शक्ति थी, जिन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर व्यापक परिवर्तन किया, भारत के व्यापार उद्योग को किस तरीके से एक नई दिशा दी, एक प्रतिस्पर्धा का बाजार दिया कि उपभोक्ता को सस्ती टिकाऊ माल मिले, इसके लिए एक बाजार का, नया बाजार का दिशा देने का काम किया। उन दूर दराज इलाकों के अंदर जहां किलोमीटर लोग उपभोक्ता की सामग्री खरीदने आते थे, जब मैं माइंस के उस इलाके में जाता था तो 50 किलोमीटर तक दुकान नहीं होती थी,
वहां भी सिंधी समाज का व्यक्ति अपनी साइकिल पर घर घर सामान बेचने का काम, ऐसा कठिन परिश्रम करने वाला समाज। ऐसे कठिन परिश्रम पर और आप जैसे संतों का आशीर्वाद, भगवान झूलेलाल की कृपा बनी रहे, आज यहां पधारे, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। एक धरती, जिस धरती पर संत मिलते हैं, संत के पैरों से ही, संत की वाणी से ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भौतिक संसाधन कितने भी हो जाएं, भौतिक सुख से दुनिया के अंदर सुख नहीं मिल सकता। दुनिया से हमारे बड़े बड़े देश भौतिक संसाधनों, भौतिक सुख की होड़ में चलने लगे, लेकिन जब शांति की जगह आई तो वो शांति की जगह यहां आई, भारत में आई। जो शांति यहां आध्यात्मिक शांति है वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक शांति, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमको हमेशा मानवीय सेवा का, पुण्य करने का काम देती रहती है। मैं जब हरिद्वार गया तो हरिद्वार के वहां के विधायक, वहां के अध्यक्ष, वहां के मंत्री जी ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा सेवा का काम करते हैं तो प्रेम प्रकाश आश्रम के, अमरापुर आश्रम के लोग करते हैं। एक अच्छा घाट बनाया, एक घाट पहले भी बनाया, एक घाट फिर निर्माण करने जा रहे हैं, धर्मशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। शिमला जैसी सुदूर दूर जगह भी उन्होंने धर्मशाला के निर्माण के लिए बड़ी कोशिश की। मैंने भी मुख्यमंत्री से कहा कि ये पुण्य का काम करने वाले लोग हैं और ये धर्मशाला बनेगी तो समाज के लिए बनेगी, केवल सिंधी समाज के लिए। आज जितने भी स्थान यहां पर हैं, सब स्थानों पर सभी समाज के लोगों को सिंधी समाज इसी तरीके से सेवा देता रहे, भगवान झूलेलाल की कृपा हम पर बनी रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलाव करने की जिम्मेदारी हमारी है। उसकी दुख और पीड़ा को किस तरीके से मुस्कान में पैदा कर सकते हैं, ये दिवाली का पर्व हमारा, ये संकल्प का पर्व है। मुझे आशा है कि आज संतों के आशीर्वाद हमें मिलेंगे और संतों के आशीर्वाद कृपा से ही हमें नई कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। पुनः मैं इस धरती पर पधारे संतों को प्रणाम करता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और आप इसी तरीके से कोटा की धरती पर आते रहे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।